साथियों, हमारे एक्सेल कोचिंग के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं एक बीएड कॉलेज में पढ़ाता हूँ। मैंने वहां पर आप लोगों की एक परिस्थिति को फेस किया कि आपका डायरी बनाने में बहुत सारा टाइम चला जाता है, जिसमें आप अपने कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर सकते हो, रीट फाइट कर सकते हो, सेकेंड ग्रेड की तैयारी कर सकते हो। तो एक एक बच्चे को किताब ढूंढने में और मैटर सेलेक्ट करने में किस प्रकार से डायरी बनानी है समझ ही नहीं आता। इस मामले में बहुत सारा टाइम खराब होता है, तो मैंने सोचा क्यों ना आपका एक टाइम बचाने का प्रयास करूं। तो दोस्तों, मैं वैसे तो बहुत सारी वीडियो बनाऊंगा जिससे आपको यहाँ पर टॉपिक भी एज इट इज मिल जाएगा। चाहो तो आप ऐसे ही लिख देना, ठीक है ना। लेकिन उससे पहले, आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अगर मेरा काम अच्छा लगे तो लाइक भी कर देना। क्योंकि दोस्तों देखिए, आपका टाइम बचवाने का मेरा प्रयास है, मैं अपना क्या बेनिफिट सोच रहा हूँ, लेकिन आपका काम जरूर हो जाएगा, ठीक है ना। तो बहुत सारे टॉपिक मिलेंगे, और अगर एज इट इज टॉपिक नहीं मिलता है तो आपको ये सोच मिल जाएगी कि हमें किस तरीके से अपनी डायरी को बनाना है। नहीं देखिए, ईपीसी जो फर्स्ट पेपर है आपका, उसकी किताब है ये। कॉलेज का नाम है जो मैंने मिटा दिया, बच्चे का नाम भी मिटा दिया, आपको इससे कोई लेना देना भी नहीं है। नेक्स्ट आप पेज ये देखिए, इस बच्चे ने बनाया किस तरीके से। देखिए, ये पहला ही पेज इसने स्वास्तिक बना के थोड़ा सा, ये कोई कहेगा बिगाड़ दिया, कोई कहेगा कि उसने अच्छा यूज कर लिया और एक आध पेज उससे मैटर कम ढूंढना पड़ा, ठीक है ना। फिर देखिएगा, एक नेक्स्ट पेज पे उसने अगले पे एक ओम बना दिया। तो ये देखिए, और देखिए फिर टॉपिक लिख दिया, पूरे एक पेज पर टॉपिक लिखा हुआ है, विषय से संबंधित संदर्भ पुस्तकों का भावी जीवन पर उपयोग। हो सकता है आपका ये टॉपिक ना हो, लेकिन आपको इसमें बहुत मैटर अपने टॉपिक से संबंधित मिलेगा, क्योंकि किताब एक ही है, तो मैटर कहीं अलग नहीं होगा, जरूर कहीं ना कहीं मैच करेगा मैटर। सारी यूनिवर्सिटियां, सारी कॉलेजें लगभग मिलते जुलते मैटर देती हैं, तो कोई ज्यादा अलग नहीं है, लेकिन बहुत सारे बनाऊंगा तो आपको यहाँ सेम भी मिल जाएगा, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। देखिए, इसने इंडेक्स किस प्रकार बनाया, प्रस्तावना दी है, फिर संदर्भ पुस्तकें बताएंगे ये, संदर्भ पुस्तकों की विशेषताएं, संदर्भ पुस्तकों के प्रकार, संदर्भ पुस्तकों का इतिहास, संदर्भ पुस्तकों के लाभ महत्व, संदर्भ पुस्तकों का भावी जीवन पर उपयोग, निष्कर्ष और संदर्भ सूची। तो ऐसे डिवाइड करके थोड़ा अच्छा बनाओगे तो अच्छा लगेगा, टीचर भी प्रभावित रहेगा और आपके दिमाग पर प्रेशर नहीं रहेगा, कोई बार बार आपको परेशान नहीं करेगा, ये आप बेकार बना के लाए हो, आपने अच्छा नहीं बनाया। तो आप थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी आपको, और बहुत अच्छी डायरी बन जाए। देखो, फॉर्मेलिटी करनी है तो करनी ही है, अब है कॉलेज की फॉर्मेलिटी तो उसमें तो कुछ कर नहीं सकते। प्यार से बनाओगे तो आपका दिमाग भी फ्रेश रहेगा, तैयारी करने में ज्यादा मन लगेगा। ये देखिए, ड्राइंग ड्राइंग आपको लगे तो कर देना, नहीं नहीं करना, कोई दिक्कत नहीं। प्रस्तावना लिख दी, आप पढ़ भी सकते हो, पॉज करके पढ़ लेना, मुझे यहाँ पढ़ूंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, मैं इस वजह से डायरेक्ट निकालता जा रहा हूँ। ये इन्होंने किसी किताब वगैरह का फोटो ला करके यहाँ पे लगा दिया, एक सैद्धांतिक मौलिक सिद्धांत है। फिर देखिए, संदर्भ पुस्तकों की विशेषताएं, फिर उनसे संबंधित एक किताब का फोटो लगा दिया। आप अपनी मतलब डायरी को बहुत कम मेहनत से और अट्रैक्टिव बना सकते हो, नेट पे बहुत सारी फोटो मिल जाएंगी, और लेकर के दो चार प्रिंट निकाले और लगा दियो। नहीं भी लगाओगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लिख के देना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि टीचर को एक संतुष्टि हो जानी चाहिए। संदर्भ ग्रंथ, यहाँ पे देखो उनकी एक फोटो लगा दी संदर्भ ग्रंथ से संबंधित। फिर संदर्भ पुस्तकों का इतिहास ये भी लिख दिया, जल संपदा लिख दी यहाँ पे, ये संदर्भ पुस्तकों के लाभ बता दिए यहाँ पे। फिर एक गांधी जी की पुस्तक का फोटो ला करके लगा दिया, फिर उनके महत्व तो बता दिए सब पुस्तकों से संबंधित। तो आप भी पढ़ सकते हो, आपके काम भी आ सकता है एज इट इज पूरा पेज, ज्ञान संपदा। फिर आप देखो, संदर्भ पुस्तकों का भावी जीवन पर हुए। और सबसे बड़ी बात आपको एक बताऊंगा एंड में, देखना कि बीएड वाले टीचरों की क्या कमजोरी होती है, वो आपको बता दूंगा, आप बड़े ही मस्त रहोगे। देखिए, फिर देखो यहाँ पे, फिर देखो निष्कर्ष क्या है, फिर उससे आगे, तो आप पॉज कर करके देख सकते हो दोस्तों। यहाँ इसने देख रखा है, संदर्भ ग्रंथ सूची बता रखी है, पाठ्यपुस्तक बताई इसने, पाठ्यपुस्तक है पठन एवं चिंतन, ठीक है ना, पठन और पाठों पर विमर्श भी आपको एक किताब मिल सकती है। तो ये इसने रीता विष्ट जी की किताब ली है, जिसमें डॉक्टर शशि कांत चौधरी और भी कुछ लोग इन्वॉल्व हैं, प्रकाशन बता रखा है आर्यन प्रकाशन। तो आपकी लाइब्रेरी में हो सकता है कोई दूसरी किताब होगी इससे संबंधित, तो आप वो किताब ले सकते हो और उसमें से मेटा लेकर के लिख भी सकते हो। और आपको कुछ एक बढ़िया बात जो मैं कह रहा था कि लास्ट में बताऊंगा, बढ़िया बात यह है कि कोई टीचर बहुत ज्यादा ध्यान दे करके आपकी डायरी नहीं पढ़ेगा, विशेषकर आपने वो डायरी अच्छे मन से भर दी हो, थोड़ी सी फूल पत्तियां बना दो, उसमें क्या तुमने लिखा है उस किताब से संबंधित कुछ भी लिख दो, उसका उनका टॉपिक लिख के और यही सारा कुछ लिख दो, तब भी कोई पहचानने वाला नहीं है। तो ये आपके लिए मैंने बताई, ये कहीं पे किसी टीचर से शेयर मत कर देना, नहीं आपके कॉलेज में आपकी डायरी को वो चेक नहीं करेगा। चलिए, आज इतना ही, नेक्स्ट डायरी और नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिल रहा हूँ आपसे। तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, अपने सभी साथियों को शेयर कर दो दोस्तों, यार अच्छा भी लगता है, हम आपके लिए मेहनत करें, और आप थोड़ा सा फीडबैक दे दो, प्यार दे दो तो अच्छा लगेगा। ओके, थैंक यू, बाय बाय।